अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आज हम न्यू यूनिट यूनिट फोर डेसिमल एंड परसेंटेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम टू वर्कशीट्स करेंगे। आज हम टू वर्कशीट्स करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट वर्कशीट है डेसिमल नंबर की, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स। अब इसकी डेफिनेशन है, एनी नंबर कंटेनिंग अ फ्रैक्शनल पार्ट इंडिकेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा और उसको इंडिकेट कर रहा होगा डेसिमल पॉइंट, उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास ये होल नंबर है ये, और ये पॉइंट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8। अब पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और पॉइंट से पहले वाले को होल नंबर, और सेंटर में डेसिमल पॉइंट। अब इसमें कोई भी नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट होगा, पॉइंट होगा, उसे हम कहेंगे डेसिमल नंबर। जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट होगा और डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो हम कहेंगे ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल पॉइंट क्या करता है, डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रॉम अ फ्रैक्शनल पार्ट। जो डेसिमल पॉइंट है वो दोनों पार्ट्स को, होल नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट से सेपरेट करता है। डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू हम किस तरह लिखते हैं, देखिए अब हमारे पास ये हमारे पास नंबर है 13.95। अब इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 यूनिट्स, और 1 की टेंस, ये होल नंबर था, होल नंबर में 3 यूनिट्स 1 टेंस, और ये डेसिमल पॉइंट। अब फ्रैक्शनल पार्ट की हमने प्लेस वैल्यू किस तरह लिखनी है, 9 टेंथ्स, TENTHS, सर THS लगा देंगे टेंथ्स, और 5 हंड्रेड्स, हंड्रेड लिख के सर THS लगा देंगे, 9 टेंथ्स 5 हंड्रेड्स। अब नेक्स्ट इसको हम रीड किस तरह करेंगे, वर्ड्स में किस तरह लिखते हैं, 13.95। फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं, 95 पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको हम वर्ड्स में किस तरह पढ़ेंगे, 256.7654, 256.7654। फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब इसमें प्लेस वैल्यू गिवन है, होल नंबर की प्लेस वैल्यू पहले बताते हैं, 6 यूनिट्स 5 टेंस 2 हंड्रेड्स, और सेंटर में डेसिमल पॉइंट। अब फ्रैक्शनल पार्ट 7 टेंथ्स 6 हंड्रेड्स 5 थाउजेंड्स और 4 10,000। अब मैंने आपको डेसिमल नंबर की डेफिनेशन और प्लेस वैल्यू बताई है, अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट हमारे पास वर्कशीट नंबर 2। अब टॉपिक है यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब लाइक डेसिमल कौन से होते हैं और अनलाइक डेसिमल कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लाइक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, ग्रुप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल ग्रुप, डेसिमल फ्रैक्शन का वो ग्रुप जिसमें डेसिमल प्लेसेस सेम होंगी, तो उसे हम कहेंगे लाइक डेसिमल। डेसिमल प्लेसेस हम किस तरह फाइंड करते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे वो उसकी डेसिमल प्लेस होगी। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसके डेसिमल प्लेस 1 है। इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल प्लेस 1। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल प्लेस भी 1। अब तीनों में, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 1, और इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो तीनों में डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो हम कहेंगे ये तीनों, ये लाइक फ्रैक्शन का, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन का ग्रुप है, ये लाइक डेसिमल है। अब दोबारा बता रही हूँ, लाइक डेसिमल कौन से होंगे, जब डेसिमल प्लेसेस अगर हमारे पास 2 और 3 की 1 है डेसिमल नंबर, उनमें डेसिमल प्लेसेस सेम होंगी, तो वो लाइक डेसिमल होंगे। ग्रुप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन दैट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसमें डेसिमल प्लेसेस सेम होंगी, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है अनलाइक डेसिमल। अब अनलाइक कौन सी होती हैं, ग्रुप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस दैट हैव आर डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कॉल्ड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन का वो ग्रुप जिसमें डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होंगी, तो उसे हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन,
अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें देखें, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, 3, इसमें 1 और इसमें 2, तीनों डेसिमल नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन का ग्रुप है, ये अनलाइक है। अब क्वेश्चन नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक और अनलाइक डेसिमल। अब हमने बताना है, हमारे पास 5 गिवन है ग्रुप इस डेसिमल फ्रैक्शन के, तो हमने बताना है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये लाइक है, ये अनलाइक है। अब हमने इसके सामने लाइक और अनलाइक लिखना है। अब देखें फर्स्ट है, अब इसमें हम तीनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस कितनी है। फर्स्ट नंबर में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी डेसिमल प्लेसेस 2 है, तीनों में डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो हम कहेंगे ये लाइक डेसिमल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक डेसिमल, ये लाइक डेसिमल का ग्रुप है। नेक्स्ट देखें, इसमें डेसिमल प्लेस कितनी है, 1, इसमें 3 और इसमें 2, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे वो उसकी डेसिमल प्लेस होगी। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस तीनों में डिफरेंट है, इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 2 है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, अनलाइक का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनलाइक। नेक्स्ट देखें, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, 3, इसमें 3 और इसमें भी 3, तीनों में डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो ये भी कौन से डेसिमल होंगे, लाइक। नेक्स्ट देखें, इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2, तो डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, तीनों में डिफरेंट है, तो हम कहेंगे ये अनलाइक डेसिमल है। नेक्स्ट देखें, इसमें डेसिमल प्लेस 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तीनों में सेम है डेसिमल प्लेसेस, तो हम लिखेंगे ये लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमने ग्रेटर, लेस और इक्वल टू से ये कंप्लीट करना है, हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट देखें, यहाँ पे है 5.27 और 5.39, होल नंबर देखें 5 और 5 सेम है। अब फ्रैक्शन पार्ट देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो 3 वाला ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अब यहाँ पे होल पार्ट है 120 और यहाँ पे होल पार्ट है 115, तो 120 वाला होल पार्ट ये ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। पहले आपने होल पार्ट को कंपेयर करना है, उसके बाद आपने फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर करना है। अब देखें, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 9.8, इसमें भी 9.8 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लास्ट पे अगर पॉइंट हमारे पास 0 हो, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर में अगर लास्ट पे 0 आ रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये दोनों नंबर इक्वल है, तो हम लिखेंगे ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे होल पार्ट है 75 और यहाँ पे होल पार्ट है 5, होल नंबर जो है 75, यहाँ पे होल नंबर 5 है, तो 75 वाला नंबर ग्रेटर होगा। यहाँ पे 40, यहाँ पे 8, तो आपने पहले होल नंबर को कंपेयर करना है, होल पार्ट जो 75 है, यहाँ पे 5 है, तो 75 वाला ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी होल नंबर 4 है, उसके बाद देखें पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पे 3, तो 3 वाला ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे होल नंबर जो है वो 19 है और यहाँ पे होल नंबर 29 है, तो 29 वाला ग्रेटर होगा। यहाँ पे देखें 85, होल पार्ट दोनों सेम है, उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24 है, लेकिन लास्ट पे 20 है, तो इन टू पॉइंट वाले डेसिमल नंबर में लास्ट पे अगर 0 आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये दोनों नंबर भी इक्वल हैं। हम यहाँ पे खुद से भी 0 लगा के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं, लास्ट पे अगर 0 आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर 8, 11.8 और 10.85, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10, आपने होल पार्ट को पहले कंपेयर करना है, होल नंबर जो है यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 है, तो 11 वाला ग्रेटर होगा। आपने ये नहीं है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 85, इस तरह नहीं, हम यहाँ पे 0 भी तो लगा सकते हैं खुद से, उसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो पहले आप होल पार्ट को आपने कंपेयर करना है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, तो 11 वाला ग्रेटर होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10, होल नंबर सेम, यहाँ पे 75, यहाँ पे 85, तो 85 वाला ग्रेटर। अब लास्ट देखें, यहाँ पे 1, 1 होल नंबर सेम है और
यहाँ पे पॉइंट है भाई, यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ 5 7, यहाँ पे 5 4, तो वो 5 7 वाला ग्रेटर होगा। तो क्लास आज हमने ये 2 वर्कशीट सॉल्व की हैं। फर्स्ट वाली आपने जो वर्कशीट मैंने आपको बताई डेसिमल नंबर वाली, उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, उसकी डेफिनेशन डेसिमल नंबर की और प्लेस वाली देखनी है, वहाँ से अच्छी तरह समझ लेनी है। उसके बाद ये वर्कशीट नंबर 2 जो है, ये वाली वर्कशीट, इसको आपने रफ कॉपी पे प्लान करके इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, पहले इसको समझ के फिर आपने इसको इसकी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।